dear residents, we are going through the topic single degree of freedom system and multi degree of freedom system in mechanical vibration. we have already dealt with more than 75 plus videos on various topics of mechanical vibration. now it is time to summarize few of the topics. so today is. now today's topic is. सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता क्या है पहले समझिए तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम अब ध्यान दीजिए जब टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में तो मेनली चार टाइप्स के जो है फोर टाइप्स के अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एक तो फ्री वाइब्रेशन दैट मीन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स देन देयर विल बी फोर्स्ड वाइब्रेशन फिर इस फोर्स्ड के साथ ठीक है आप देखिए क्या हो सकता है फ्री के साथ और फोर्स्ड के साथ फ्री के साथ डेम्ड भी हो सकता है और इधर अनडैम्ड भी हो सकता है ठीक है ना दैट मीनस ये फ्री के साथ डैम्ड और अनडैम्ड दोनों हो सकता है ठीक है और सिमिलरली फोर्स्ड के साथ भी डैम्ड हो सकता है डैम्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड डैम्ड अनडैम्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन अब डैम्ड के साथ आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है और इधर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है ठीक है उसकी के साथ फोर्स्ड अनडैम्ड के साथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड यहाँ मल्टी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम दैट मीन्स ये टोटल परमिटेशन कमिशन आप बना सकते हैं तो देयर विल बी टोटल सिक्स केसेस ठीक है ना तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम देन मल्टी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कोई भी हम यदि वाइब्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि, कि किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम में सपोज कीजिए कि दिस इज दी सपोर्ट दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज द डैम्पर ठीक है न आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए वाइब्रेशन सिस्टम ठीक है ये आपका मास हो गया ये डैम्पिंग हो गया और ये स्प्रिंग स्टिफनेस हो गया और इक्वेशन आपको बता चुके हैं इस इक्वेशन को लाइफ लॉन्ग याद रखिए एम एक्स डब एक्सडब डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी ठीक है इस इक्वेशन से ये इक्वेशन से आप इधर कोई भी परमिटेशन कम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं जैसे कोई बोल रहा है फ्री जैसे फ्री बोलेगा तो इधर क्या हो जाएगा जीरो डैम्प तो सी होगा अनएट होगा तो सी नहीं होगा ठीक है अब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें समझना है ठीक है तो जब किसी भी सिस्टम में इफ देयर इज सिंगल मास देन इट इज कॉल्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये आपका आ, कोई सपोर्ट है तो यहाँ पे सिंगल मास यूज कर रहे हैं ठीक है ना जैसे यहाँ भी सिंगल मास की है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है लेकिन यहीं पे यदि अब हम एक और मास लगा दिए ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा मास एम टू ये मास एम वन ठीक है ना दिस इज के वन दिस इज के टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स वन डिस्प्लेसमेंट इज एक्स टू तो ये क्या हो गया टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या हो गया आपका टू डिग्री ऑफ दो मास आप सिंपल याद रखिए राम कहानी हमेशा लाइफ लॉन्ग इफ देयर इज टू मास देयर विल बी टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी तरह से यदि आपका तीन मास हो ठीक है ना ये क्या हो जाएगा आपका थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एम वन एम टू एम थ्री इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स थ्री एक्स टू एंड एक्स वन ठीक है अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे के वन K2, K3 तो ये क्या हो जाएगा अब आपका थ्री डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम ये क्या हो गया आपका थ्री डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम ठीक है उसी तरह से अब फोर भी हम मास लगा सकते हैं फाइव लगा सकते हैं तो इस तरह से जैसे ही ये तो सिंगल था ये डबल देन मीन्स कि टू तो टू और मोर देन टू डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम जनरली हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं सिंगल तो अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं ठीक है तो हम लोग इस वीडियो में टू डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम पढ़ेंगे और मल्टी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है ना मल्टी डिग्री टू से जैसे ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो आइए एक एक हम लोग पढ़ते हैं जनरली आर के सिलेबस में इसमें डैम्पिंग नहीं रहता है न्यूमरिकल क्वेश्चन में लेकिन एक डैम्पिंग के लिए भी हम आपका इक्वेशन लिख देते हैं जैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि ये आपका कोई सिस्टम है ठीक है इसमें आपका ये स्प्रिंग है ये मास है आपका मास एम वन फिर ये स्प्रिंग है और ये मास आपका क्या है एम टू है ठीक है ये आपका डैम्पिंग ठीक है ये भी आपका क्या हो गया डैम्पिंग ठीक है ये सी वन सी टू के वन के टू एम वन एम टू इट्स डिसप्लेसमेंट इज एक्स टू इट्स डिसप्लेसमेंट इज एक्स वन देयर इज ए स्मॉल व्हील ऑन विच इट विल मूव ए फ्रिक्शन लेस व्हील ठीक है तो अब ये मूव करेगा तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा ध्यान दीजिएगा इक्वेशन इज वेरी सिंपल फॉर मास फॉर सिंगल वन जो है इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए मास एम वन के लिए तो इक्वेशन बनाना आप सीखिएगा बहुत अच्छे से जब हम मास एम लेंगे ठीक है ना तो एम अब एम के साथ क्या है एक्स वन ये पेरेंटल इक्वेशन तो आपको मालूम है एम X1। एक्स वन अब इधर पहले लेफ्ट साइड देखिए क्या है के वन एक्स वन यही तो है ठीक है ये के वन एक्स वन प्लस के वन एक्स वन फिर यहाँ सी वन अब सी वन के साथ एक्स वन डॉट आता है प्लस अब ये राइट right साइड में भी जुड़ा हुआ है ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा K2 अब जैसे ही आपने यहाँ पे K2 तो भले ले रहे हैं आप लेकिन मास कौन सा कंसीडर किए हैं वन तो हमेशा ये क्या हो जाएगा X1 वन माइनस एक्स टू प्लस सी सॉरी सी टू साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा मास M1 है तो X1 वन माइनस एक्स डॉट इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन फॉर द मास m1 वन दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस हो गया K2 अब इसके साथ सिर्फ K2 ही है ठीक है K2 लेकिन अब ये एक्स टू नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बीच में है एक्स टू और एक्स वन के बीच में और एम टू लिए हैं तो एम टू लिए हैं तो ऑटोमेटिक एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा ठीक है प्लस सी टू एक्स टू डॉट माइनस एक्स वन डॉट इक्वल टू जीरो अब देख लीजिए और कुछ नहीं है तो दिस इज योर टू इक्वेशन तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा ध्यान रखिए कि जितने नंबर ऑफ मास होंगे उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन आपको निकालने होंगे तो देखा ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके टू मास हैं ठीक है ठीके? तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा टू डिग्री ऑफ फ्रीडम और टू इक्वेशन निकलेंगे इनको सॉल्व करेंगे हम लोग लेकिन एक और देखिए इक्वेशन जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि जैसे नदर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नंबर टू मान लीजिए ये आपका यही होरिजेंटल सिस्टम है यही वर्टिकल सिस्टम भी हो सकता है ठीक है अब यहां पर सिर्फ स्प्रिंग है ये दो तीन एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा के वन के टू ये आपका एक्स वन ये एक्स टू और ये एम और ये एम टू ठीक है तो अब इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे जस्ट मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो फॉर मास एम तो क्या हो जाएगा एम X1 एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन एक्स वन प्लस के टू और एम लिए हैं तो यहाँ पे आँख बंद करके एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर क्या हो गया वन यहाँ पे क्या हो जाएगा एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस के टू के टू एक्स टू एक्स वन के बीच में है तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू क्योंकि ये फ्री अनडेमड वाइब्रेशन है क्या है फ्री अनडेमड यहाँ यदि हम लिखें तो फ्री अनडेम्ड कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देखिए और अनडेम्ड डैम्पिंग भी नहीं है फ्री अनडेम्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ठीक है तो इस तरह से हम ये आप देख लीजिए इक्वेशन अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं आप कैसे इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इस एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस एक्स वन को यदि हम कॉमन लेना चाहें तो क्या हो सकता है के वन प्लस के टू इन एक्स वन माइनस के टू एक्स टू इक्वल टू जीरो यही इक्वेशन नंबर वन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस एक्स वन क्या हो जाएगा तो के टू एक्स टू माइनस के टू एक्स वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू हो गया अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ठीक है आप क्या यूज करते हैं डिटर्मिनाट या मैट्रिक्स फॉर्म ठीक है ना कैसे यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वन ये क्या हो जाएगा एक्स वन डबल डॉट और एक्स टू डबल डॉट प्लस यहां पे X1 और X2, X1 और X2 टू इक्वल टू जीरो ठीक है अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है फर्स्ट इक्वेशन में M1 तो है X1 के लिए लेकिन X2 के लिए क्या है यहाँ पे जीरो ठीक है दूसरे इक्वेशन में X1 के लिए जीरो है और X2 के लिए क्या है M2, टू सिमिलरली यहाँ ध्यान दीजिए X1 के लिए यहाँ पे क्या है k1 वन प्लस के टू के वन प्लस के टू और एक्स टू के लिए क्या है माइनस के टू ठीक है यहाँ पे क्या है एक्स वन के लिए क्या है माइनस के टू और एक्स टू के लिए क्या है के टू अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप सिमिलर प्रोसेस कि एक्स वन इक्वल टू क्या रखेंगे ए साइन ओमेगा टी ए वन साइन ओमेगा टी और एक्स टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको किस में बन जाएगा ओमेगा के टर्म में आएगा ठीक है ना ये इक्वेशन जो आएगा आपका ओमेगा के टर्म में आएगा ठीक है ना तो ये ओमेगा के टर्म में जो आएगा इक्वेशन तो ये ध्यान दीजिए ये इक्वेशन कुछ बनेगा आपका ओमेगा टू द पावर फोर में ठीक है क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दो आएगा ठीक है ना तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये इक्वेशन इस तरह से बनेगा इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनल तो आपका इक्वेशन के वन प्लस देखिए मैं एक सॉल्व कर देता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है तो आप डायरेक्ट चूँकि करने पे शायद आपको दिक्कत हो इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन वन में जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम वन एक्स वन डबल डॉट को क्या हो सकता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ठीक है प्लस के वन प्लस के टू एक्स वन की जगह पे ए वन साइन ओमेगा टी ठीक है माइनस के टू ए टू साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो ठीक है उसी तरह से ये इक्वेशन टू के इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं माइनस एम वन एमेगा इस्वायर प्लस के वन प्लस के टू इंटू ए वन ये भी ए वन होगा ये साइन ओमेगा टी को हमने कॉमन ले लिया है ठीक है माइनस के टू ए टू इक्ल टू जीरो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया इक्वेशन नंबर टू के लिए अब ध्यान दीजिए एम टू एक्स टू डबल डॉट के लिए क्या सकते हैं माइनस ए टू ओमेगा टी प्लस के टू यही है के टू एक्स टू माइनस एक्स वन दैट मीन्स एक्स टू कितना हो जाएगा आपका ए टू माइनस ए वन साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो फिर अब ये साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे आप तो क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा माइनस एम टू ए टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू ए टू माइनस ए वन ठीक है इक्वल टू जीरो ठीक है अब यहाँ से आप फिर कॉमन ले सकते हैं अब ए वन ए टू यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स वन एक्स टू लिए थे अब यहाँ पे डायरेक्ट हम ले सकते हैं क्या ये ध्यान दीजिए तो ए वन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा के वन प्लस के टू माइनस एम वन ओमेगा इस टू ए वन बचेगा माइनस के टू ए टू इक्ल टू जीरो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया यहां पे क्या बचेगा आपका के टू माइनस एम टू ए टू ओमेगा लिया है इक्वेशन तो नंबर क्या हो गया टू ठीक है अब यहां से आप सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन बनाइए कैसे ये आपका मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया ए वन और ए टू के टर्म में ठीक है ठीके? तो ये जो है आपका क्या हो गया k1 वन प्लस के टू माइनस एम वन ओमेगा इस यहाँ पे a2 टू के जगह पे माइनस के टू यहाँ पे ए वन के जगह पे क्या है देखिए माइनस के टू और यहाँ पे क्या है k2 टू माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर ठीक है अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप ठीक है इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दैल्यू लाइक दिस ये कुछ ओमेगा टू द पावर फोर माइनस ये कुछ वैल्यू आएगा आपका कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर फिर प्लस कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा यहाँ पे ठीक है इक्वल टू जीरो तो अब देखिए ये ओमेगा के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं तो ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया देन यू कैन फाइंड हियर ओमेगा स्क्वायर कुछ वैल्यू आएगा ठीक है ओमेगा स्क्वायर का भी यहाँ पे दो वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट कर देंगे जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपको ओमेगा वन के बाई एम मिलेगा और एक ओमेगा टू आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के बाई एम तो ये दो वैल्यू आपको मिलेंगे ओमेगा वन का और ये ओमेगा टू का तो जो भी टू डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन होगा उसको आपको हमेशा कुछ इसी तरह से सॉल्व करना है ये ध्यान रखिएगा ठीक है अब ध्यान दीजिए एक छोटा सा आ, आता है सेमी डिफिनिट सिस्टम कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप तो इसको बना करके लिख लीजिएगा सेमी डिफिनिट सिस्टम ठीक है सेमी डिफिनिट सिस्टम में अब देखिए यहां पे ये चूंकि टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है ओमेगा वन और ओमेगा टू आया है ठीक है मान लीजिए कि कोई आपका वाइब्रेटिंग सिस्टम है ठीक है ना ये मास एम वन है और ये मास एम टू है तो ये भी क्या हो गया टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जब दो मास है तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम x1 और सॉरी x1 और ये x2 ठीक है दिस इज x सॉरी k ठीक है अब यहां पे इफ एनी ऑफ द फ्रीक्वेंसी अब यहां भी आपको क्या निकलेगा ओमेगा वन और ओमेगा टू इफ एनी वन फ्रीक्वेंसी इफ एनी वन फ्रीक्वेंसी इज जीरो वन फ्रीक्वेंसी इज देन जीरोन सिस्टम इज कॉल्ड सेमी डेफिनेट सिस्टम तो ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो इसको याद रखिएगा ठीक है ना एक और टू डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही एग्जाम्पल आपको देते हैं लास्ट में उसके बाद हम लोग मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे टू डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक एग्जाम्पल देखिए कई बार इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने मिलता है ठीक है ये आपको ये स्प्रिंग हो गया ये मास हो गया आपका ये एम ये छोटे छोटे लगे हुए ये फिर स्प्रिंग और ये क्या हो गया m2 फिर यहां पे स्प्रिंग लगे हुए ठीक है ये जो है आपका x1 वन x2 एक्स टू डिस्प्लेसमेंट दिस इज K1 वन दिस इज के टू एंड दिस इज दिस वन इज के ठीक है अब ये जो है इसको k1 वन एम के लिए हो गया k2 m2 के लिए हो गया और k को बोलते हैं कपलिंग स्प्रिंग ठीक है क्या कपलिंग स्प्रिंग या कपलर ठीक है तो यहां से आप इक्वेशन इसको जब आप डिराइव करते हैं तो इसका इक्वेशन डिराइव कर देते हैं आपके लिए फिर से सेम उसी प्रोसेस पे जा रहे हैं ठीक है ना पहला इक्वेशन देखिए यहां एम वन एक्स वन डबल डॉट होगा प्लस अभी के वन को लीजिए पहले इधर के स्प्रिंग को तो क्या हो जाएगा के वन एक्स वन प्लस अब इधर के है तो के और किसको लिए हैं वन को लिए हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा ठीक है अभी एक्स वन एक्स टू में अरेंज कर लेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस इधर क्या है के टू एक्स टू प्लस अगेन के इधर बीच में अब क्या होगा यहाँ एम टू लिया है तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज योर सिस्टम ठीक है तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फॉर द टू डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर उसी मैट्रिक्स मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आइए एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग क्या कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कपलिंग ठीक है ना अब कोऑर्डिनेट कपलिंग क्या होता है एक्चुअली आप कोई भी बस ट्रेन अब थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ बहुत डेप्थ तो नहीं जाएंगे लेकिन जरूर आपको इतना जरूर समझा देंगे कि आप यदि थोड़ा भी पहले पढ़े हुए हैं तो आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा ये कोई बॉडी है ठीक है इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं ये आपका फाउंडेशन है और यहाँ भी स्प्रिंग लगे हुए हैं ठीक है ये स्प्रिंग मान लीजिए आपका K1 है और ये K2 है यहाँ रेफरेंस से ये डिस्टेंस आपका क्या है x है ठीक है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या है जी है या सी है जो भी आप मानना चाहें मान लें ठीक है अब यहाँ पे ये डिस्टेंस इधर L2 है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है L1 ठीक है अब देखिए जैसे ही इसके ऊपर आप ब्रेक लगाएंगे सपोर्ट मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे ही इस ब्रेक लगाएंगे तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये सिस्टम कुछ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ठीक है ये टिल्ट हो जाएगा अब गाड़ी में भी आप कभी चलते होंगे जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो देखेंगे कि आगे साइड में आप झुक जाते हैं और पीछे साइड में थोड़ा सा अप हो जाता है तो ये जो डिस्टेंस होगा ठीक है ना अब ये मान लीजिए कि ये जो आपका एंगल हुआ वह एंगल कितना है थीटा यदि इधर थीटा है तो ओब्वियसली इधर भी थीटा होगा ठीक है ना इधर भी थीटा होगा ये कितना नीचे जाएगा ठीक है ना तो ये एलवन इंटू थीटा ये यदि कर्व लेंगे तो कितना हो जाएगा एलवन इंटू थीठा और इधर कितना होगा इधर ऊपर कितना उठा ये ये ऊपर कितना उठ गया ये ऊपर उठा तो ये कितना ऊपर उठा एल टू इंटू थीटा ठीक है अब चूंकि ये कर्व छोटा डिस्टेंस है तो इसको लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो एल टू इंटू थीटा तो यहाँ पे एक्स टू कितना हो जाएगा यहाँ अब एक्स टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस एल टू इंटू थीटा और यहाँ पर यदि हम एक्स वन निकालेंगे ठीक है ना तो ये एक्स वन कहाँ से यहाँ से यहाँ तक चले गया है ना तो यहां जब आप x निकालेंगे एक्स वन ठीक है एक्स वन तो यह कोर्डिनेट कपलिंग बना लेंगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे सिमिलर इक्वेशन यहां मास एक ही है एम एक्स डबल डॉट प्लस अब k2 k2 के लिए अब इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस एल वन थीटा एक्स प्लस थोड़ा सा इसमें मिस कर रहे हैं मिस तो नहीं कर रहे हैं बट ये के टू लिए थे ये एल टू ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था ठीक है ले लें तो देखिए यहाँ पे ये एल टू कर लीजिए एल टू ये एल टू ये एल वन और ये एल वन तो इससे आपको सहयोग मिल जाएगा ये एक्स वन और ये एक्स टू कर सकते हैं ये के टू लिए तो इसलिए सबको इधर कन्वर्ट कर दिए ठीक है तो के टू के लिए लेंथ एल टू ठीक है के वन के लिए एल वन थीटा सेम तो यहाँ पे एक्स टू जो निकलेगा तो ये आपका एक्स टू पहले से रिफरेंस लाइन से तो एक्स था ही ये कितना हो जाएगा प्लस तो क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे और ये माइनस हो गया कितना ये आपका डिस्टेंस बचा कितना एक्स एक्स वन तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस एल वन ठीक है अब इक्वेशन बनेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के टू कितना हो जाएगा के टू इंटू एक्स टू होता है तो एक्स टू की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल टू इंटू थीटा प्लस एगेन के वन के वन के लिए बनेगा ठीक है के वन के लिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू थीटा इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन नंबर वन ठीक है और दूसरा इक्वेशन चूंकि यहाँ पे रोटरी मोशन भी हो रहा है लीनियर मोशन जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हैं ब्रेक लेते हैं तो लीनियर मोशन तो हो ही रहा है ये एंगुलर मोशन भी हुआ तो देखिए यहाँ पर मास एक है लेकिन इक्वेशन दो बन रहा है यहाँ पे दैट मीन्स कि लीनियर और एंगुलर दैट मींस देयर इज टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम सो आई एम कवरिंग यर कोर्डिनेट कपलिंग तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस के वन के वन सिमिलरली के वन क्या हो जाएगा एक्स माइनस एल वन थीटा ठीक है न K1, X1, uh, के वन एक्स वन के जगह पे के वन एक्स माइनस एल वन थीटा इंटू एल वन माइनस ये अपर जा रहा है यदि आप इसको क्लॉकवाइज uh, को पॉजिटिव लिए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे निगेटिव तो क्या हो जाएगा K2 into X minus L1 theta, K2 के टू इंटू एक्स माइनस एलवन थीटा के टू की जगह पे ये एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज को निगेटिव तो एक्स के टू इंटू एक्स प्लस एल टू थीटा एक्स प्लस एल टू थीटा इंटू एल टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू हो गया अब इसका आपको मालूम है कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रखते हैं और थीटा इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रखते हैं तो उससे लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल अगेन गेट टू वैल्यूज टू वैल्यूज कौन कौन सा टू वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन आपको मिलता है यहाँ पे के वन प्लस के टू अपन एम और ये ओमेगा टू मिलता है आपको यहाँ पे के टू एल टू का स्क्वायर प्लस के वन एल वन का स्क्वायर अपन एल ठीक है ना तो यू विल गेट हियर टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू ठीक है तो इस तरह से ये दो मिल गया आपको अब आइए ये अभी तक हम बात कर रहे थे किसका टू डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के लिए अब टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के बाद हम लोग देखें सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या मल्टी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम इट इज वेरी मच सिमिलर टू टू डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम मैं किसी भी एक इक्वेशन को डेराइव कर रहा हूं जैसे ये आपका ध्यान दीजिए ये स्प्रिंग स्टिफनेस है ये दूसरा मास है तो यदि हम यहां पे स्टॉप कर देते ठीक है ना ये डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स वन हो गया ये एक्स टू हो गया ये के वन हो गया ये के टू हो गया तो यहां तक तो ये टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है लेकिन यदि हम एक और स्प्रिंग और मास जोड़ दें स्प्रिंग और मास जोड़ दें और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स थ्री या के थ्री तो ये क्या हो गया आपका मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू और मोर देन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इसका इक्वेशन बनाना सीख लीजिए और इक्वेशन बनाना सीख गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे फिर से हम एक बार बता रहे हैं आपको इक्वेशन बनाना क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ध्यान रखिए अब हम एम वन के लिए अब ये थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो तीन इक्वेशन बनेंगे और तीन फ्रीक्वेंसी निकलेंगे ठीक है और वही मैट्रिक्स मेथड से तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं जिसमें पहला मेथड हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड कौन सा मैट्रिक्स मेथड ठीक है ना अब इस मैट्रिक्स मेथड में आप इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे ये एम वन ठीक है ना एम वन अब एम वन के ऊपर क्या है एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन एक्स वन ठीक है प्लस अब इसके नीचे क्या है के टू के टू और इक्वेशन क्या हो जाएगा के टू किसके बीच में है एक्स वन और एक्स टू तो क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो ये बन गया इक्वेशन नंबर वन आपका ठीक है उसके बाद इक्वेशन नंबर टू देखिए एम टू के लिए तो एम टू एक्स टू डबल डॉट तो होगा ही होगा प्लस ये ध्यान दीजिए एम टू किस बीच में है एक्स वन और एक्स थ्री के बीच में है बीच में, ये एक्स टू जो है एक्स वन और एक्स थ्री के बीच में है तो ध्यान दीजिए के टू अब के टू के लिए क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आप हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ जो लेंगे वही पहले आएगा ज़्यादा मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि जरूरत है तो आप हमारे वीडियोज को देख लीजिए मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में आपको पूरे डिटेल में मिल जाएंगे लेकिन चूंकि ये की पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए ना प्लस ये के टू के लिए हो गया अब के थ्री के लिए क्या हो जाएगा अगेन अब के थ्री के लिए एक्स थ्री माइनस नहीं करेंगे एक्स टू माइनस एक्स थ्री जो यहां पे लेंगे वही एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन नंबर हो गया टू थर्ड और लास्ट इक्वेशन देखिए एम थ्री एक्स थ्री डबल डॉट अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा के थ्री और एक्स थ्री जो आप लिए हैं एक्स थ्री माइनस एक्स टू एक इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया ठीक है अब ये इक्वेशंस आपके बन गए ठीक है अब यहां पे वही वैल्यू रख करके x1, x2, x3 के जगह पे आप क्या रख लेंगे x1 वन एकल टू ए वन साइन ओमेगा टी एक्स टू रखेंगे ए टू साइन ओमेगा टी और एक्स थ्री इकल टू रखेंगे ए थ्री साइन ओमेगा टी ठीक है अब यहां पे एक्स वन डबल डॉट एक्स टू डबल डॉट एक्स थ्री डबल डॉट निकाल सकते हैं और इसमें इधर आप रख सकते हैं ठीक है जब इसको आप रखेंगे ठीक है तो आपको ये ए वन ए टू ए थ्री के टर्म में इक्वेशन निकल जाएगा ठीक है ना जो भी आप रखेंगे आपको यहाँ पे एक डिटरमिनेंट निकल जाएगा इधर ए वन ए टू और ए थ्री के टर्म में और इसको इक्वेट कर दीजिएगा जीरो ठीक है ना अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिएगा ठीक है ना जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका आ रहा है ये आपका आएगा ध्यान दीजिए k1 वन प्लस के टू माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा फिर यहाँ पे आपका जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैं तो अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये के वन प्लस के टू आएगा फिर इधर माइनस के टू आएगा फिर इसी तरह से इधर भी वैल्यू कुछ आएगा तीनों जगह ठीक है और इसको डिटर्मिनांट से सॉल्व कर दीजिएगा इसको मैट्रिक्स सॉल्व करने आता है आपको तो इसको आप जब देखेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा होगा कुछ आपका वैल्यू आएगा इस तरह से ओमेगा टू द पावर सिक्स ठीक ना प्लस कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा ओमेगा टू द पावर क्यू और फिर प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा इक्वल टू जीरो ठीक है अब ये कल यदि नोमेरिकल वैल्यू दिया है यदि नोमेरिकल वैल्यू आपको दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू ले करके और कैलकुलेटर से क्यूबिक इक्वेशन के लिए ओमेगा वन निकाल लीजिए ओमेगा टू निकाल लीजिए और ओमेगा थ्री निकाल लीजिए ठीक है ये जब आप निकालेंगे तो यदि स्पेशल केस ठीक है ना स्पेशल केस में हम यहाँ पे ध्यान दीजिए एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम थ्री मान लें इक्वल टू एम और के वन इक्वल टू के टू इक्वल टू के थ्री इक्वल टू के मान लें तो ओमेगा वन का जो वैल्यू आता है आपका ये आता है आपका जीरो पॉइंट फोर फोर स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम और यह आता है वन पॉइंट टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम और ये आता है आपका 1.80 पॉइंट एट जीरो स्क्वायर रूट ऑफ के वाई एम ठीक है तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से ठीक है तो ये आपका था मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स मेथड में ही जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को ठीक है ना एक तो ये तरीका बताए दूसरा तरीका आप ध्यान दीजिए कि इसी इक्वेशन में जब आप सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पे तो इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं ये मास आपका एम वन जीरो 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 एम टू जीरो 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 एम थ्री और ये क्या हो जाएगा एक्स वन डबल डॉट एक्स टू डबल डॉट और एक्स थ्री डबल डॉट ठीक है प्लस इधर आपका के का मैट्रिक्स बनेगा ठीक है और इधर एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री टू जीरो तो इसको आप लिख सकते हैं मास मैट्रिक्स ठीक है ना और ये एक्स डबल डॉट टर्म में और ये के का मैट्रिक्स और इधर x इक्ल टू जीरो ठीक है अब इसी में यहाँ पे m को जो है बोलते हैं मास मैट्रिक्स क्या बोलते हैं मास मैट्रिक्स ठीक है matrix, और यहाँ पे k को बोलते हैं स्प्रिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स स्प्रिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स ठीक है matrix, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लाएंगे हम ठीक है अब ध्यान दीजिए इसी एम एक्स डबल डॉट को यहाँ पे हमने x डबल डॉट रहने दिया प्लस इस m को आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स और ये k इंटू एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है और इसी को हम लिख सकते हैं x डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स इक्ल टू जीरो यहाँ पर सी को बोलते हैं हम लोग डायनामिक मैट्रिक्स डायनामिक मैट्रिक्स डायनामिक मैट्रिक्स अब इस डायनामिक मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ठीक है यहाँ जब डायनामिक मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हैं ठीक है तो यहाँ पे इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू आप क्या मानते हैं ए साइन ओमेगा टी ठीक है और एक्स डॉट क्या हो जाएगा ओमेगा साइन कॉस ओमेगा t और x डबल डॉट क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t होगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस जो आपका ये निकला था अब इस वैल्यू में हम रख सकते हैं एक्स डबल डॉट के जगह पे क्या रखेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो यहाँ ध्यान दीजिए ए साइन ओमेगा टी कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी और यहाँ पे एक्स एज इट इज ठीक है ना ये एक टर्म में आ जाएगा सॉरी एक टर्म में आ जाएगा इक्वल टू जीरो दैट मीन्स यहाँ पे सी ए माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ए भी कॉमन जाएगा ठीक है ना यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सी माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ए भी कॉमन जाएगा ए जीरो हो नहीं सकता है तो ये आपका सी माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा ठीक है ना अब इस ओमेगा स्क्वायर को ही लेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ठीक है तो इसको हम लोग कई बार लिख सकते हैं लेमडा आई माइनस सी इसको माइनस सी कर सकते हैं और ये एक्स आप कॉमन ले लीजिए ये किसको इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम रख रह रहे हैं तो इक्वल टू जीरो वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ठीक है और ये लेमडा जो है क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर और लेमडा को ही यहां पे जो बोलते हैं आइगन यदि इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं तो आइगन वेक्टर्स और वैल्यूज ऑफ लेमडा वैल्यूज ऑफ लेमडा इज कॉल्ड आइगन आइगन वैल्यूज ठीक है ना तो अब थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि तो यहां पे आप देखे थे कि आपका इक्वेशन जो बना था यहाँ पे तीन वैल्यू आ रहा है आ रहा है कि नहीं ओमेगा वन ओमेगा तो इसी को जो मिनिमम वैल्यू होगा ठीक है ना उसको फर्स्ट मोड उसके बाद सेकेंड मोड और थ्री मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे ठीक है ना फर्स्ट मोड सेकेंड मोड और थर्ड मोड ऑफ दी वाइब्रेशन और इस तरह से लेमडा का भी तीन वैल्यू आएगा ठीक है तो तीन आइगन वेक्टर होंगे और तीन आइगन वैल्यूज होंगे आपके ठीक है अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा इक्वेशन निकला था कौन सा ये वाला ठीक है ना तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है ये जो वैल्यू सी तो निकालना पड़ेगा आपको एम इनवर्स भी निकालना पड़ेगा तो जो एम इनवर्स होता है ध्यान दीजिएगा हमेशा एट ज्वाइंट ऑफ एम अपन मोड ऑफ एम होता है हमेशा मोड ऑफ ठीक है तो इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं एक जनरल सॉल्यूशन में हमने आपको बता दिया कि जनरल सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में आपने देखा यहाँ पे कि जो है एम वन इक्ल टू एम टू टू एम थ्री टू यदि एम ले लें और के वन इक्ल टू के टू टू के थ्री टू के ले लें तो आपका ये तीन वैल्यू आ रहा है ओमेगा वन ओमेगा टू और ओमेगा थ्री ठीक है ये आता है जीरो पॉइंट फोर फोर स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम यहाँ पे वन पॉइंट टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम और यहाँ पे वन पॉइंट एट स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम तो इस तरह से ये तीन आपको वैल्यू आ गया ठीक है तो ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड ठीक है मैट्रिक्स मेथड के बाद एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड इन्फ्लुएंस फिशियंट मेथड इसका कॉन्सेप्ट यह है कि यदि कोई ये बीम है आपका ठीक है तो अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा ठीक है ना तो हर जगह अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे x1 वन यहाँ पे x2 टू यहाँ पे x3 लेकिन यदि यहाँ पे फोर्स f1 लग रहा है f2 लग रहा है और यहाँ f3 लग रहा है तो f1 का इम्पैक्ट f2 पे होगा f2 का इम्पैक्ट f1 पे होगा f3 का इम्पैक्ट भी f2 पे होगा तो सभी का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होगा दैट मीन्स ये जो डिफ्लेक्शन है आपका यदि f3 नहीं लगाएंगे तो कुछ अलग होगा और यदि f3 लगा देंगे f2 तो लग ही रहा है अपने एफ थ्री लगा देंगे तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा इन्फ्लुएंस अलग होगा तो ये इन्फ्लुएंस कोफिशियंट निकालते हैं हम लोग और इसका फार्मूला होता है एक्स वन इक्वल टू ए वन वन एफ वन ए वन वन इज द इन्फ्लुएंस कोफिशियंट दैट मीन्स डिफ्लेक्शन या इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट एट वन ड्यू टू वन ध्यान रखिएगा ठीक है ना ड्यू टू एफ वन प्लस ए वन टू एफ टू प्लस ए वन थ्री एफ थ्री प्लस वन ऐसे चलते जाएगा ठीक है ना तो ए वन वन फिर से समझा रहे हैं ए वन वन कहने का मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स वन एट पॉइंट वन ठीक है ना ए टू वन का कहने का मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एफ टू एट वन फिर यदि ए थ्री वन करते हैं तो फोर्स इम्पैक्ट फोर्स ऑफ वन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स थ्री एट पॉइंट वन ठीक है ना तो इस तरह से एक्स टू निकाल सकते हैं क्या निकलेगा ए टू वन ए टू वन एफ वन प्लस ए टू टू एफ टू प्लस ए टू थ्री एफ थ्री एंडसॉन उसी तरह से एक्स थ्री ए थ्री वन एफ वन प्लस ए थ्री टू एफ थ्री एंडसॉन इस तरह से निकाल करके अब इसको भी वही मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं ये एफ आप निकालेंगे तो ये के इन एक्स आता है जिसको हम स्प्रिंग स्टिफनेस बोलते हैं या स्टिफनेस मैट्रिक्स ठीक है तो इसको जब आप निकालेंगे फाइनली तो यू विल गेट द इक्वेशन जस्ट लाइक यहाँ पे m x डॉट प्लस सी ये m हो गया c x डॉट प्लस इधर k x इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे इसको मास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको डैम्पिंग मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको स्प्रिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स बोलते हैं तो ये था अपना क्या इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड्स कुछ अदर मेथड्स हैं क्योंकि आप ध्यान दीजिए पूरे वाइब्रेशन में टोटल काम जो कर रहे हैं वो काम कौन सा कर रहे हैं हम लोग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये एक मैट्रिक्स मेथड आपको बताया हमने और अभी हमने आपको इन्फ्लुएंस कोफिशियंट मेथड बताया अब लास्ट में देखिए कुछ अदर्स जनरल मेथड्स हैं जो जस्ट हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा वीडियो से डंकरलीज कर मेथड जस्ट हम यहाँ रिमाइंड करा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है इसमें कोई आपका बीम है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूस बीम है ठीक है ना तो कंटिन्यूस बहुत सारे इसमें आपके निकलेंगे फ्रीक्वेंसी तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है वन अपन ओमेगा एन का स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर प्लस वन बाई ओमेगा टू स्क्वायर जितने भी पॉइंट हैं सभी को ऐड कर देंगे ठीक है और अब पूछिएगा सर ओमेगा वन कैसे निकालेंगे तो वेरी सिंपल जी बाई डेल्टा वन जी तो कॉन्स्टेंट ही होगा इधर डेल्टा वन अब डेल्टा वन पूछिएगा सर कैसे निकालेंगे डेल्टा वन क्या आ गया तो अब याद कीजिए स्टेंथ तो मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम तो वो फार्मूला निकाल करके जो भी थ्री ई आई अपन जो भी निकल रहा था थ्री एट्टी फोर ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू इज देट ठीक है यहाँ ध्यान दीजिएगा अपन फाइव ई आई या इस तरह के बहुत सारे वैल्यू आते थे तो आप याद रखिएगा उससे यहां पे ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री का निकाल करके जितने भी पॉइंट्स इधर दिए रहेंगे और यहां पे ओवरऑल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ठीक है दूसरा मेथड था हमारा रिले मेथड्स ठीक है कौन सा रिले सेम इसमें जो है जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है ठीक है ना यहां पे वाई वन वहां वाई टू यहां वाई, वाई थ्री मान लीजिए यहां पे आपका लोड लग रहा है विल बी इक्वल तो टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ठीक है अब यहां पे आप देख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ पी वन वाई वन प्लस हाफ पी टू वाई टू दैट मीनस ये डिफ्लेक्शन उसी तरह से आपका ये जो है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी था और ये काइनेटिक एनर्जी में यही स्क्वायर हो जाता है वन बाई टू जी पी वन और ओमेगा वन वाई वन का स्क्वायर ठीक है प्लस वन बाई टू जी इसी तरह से आपका चलते जाएगा ठीक है टू जी पी टू ओमेगा टू वाई टू का स्क्वायर इस तरह से होता जाएगा और लास्ट में इसको इक्वेट कर देंगे जब इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्लू एन स्क्वायर रूट ऑफ जी समाईन एफ एल एन पी वाई का स्क्वायर तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा ठीक है एक लास्ट मेथड देख लीजिए आपका होल्जर एंड स्टोडला मेथड्स एक आपका होल्जर मेथड्स था और एक आपका था ये क्या बोलते हैं स्टोडला मेथड्स होल्जर ठीक है अब ये जो है जनरली आपके उसके लिए होते हैं डिस्क के लिए ठीक है ये आपका कोई डिस्क है ठीक है अब इसका इक्वेशन आई वन आई टू और ये आई थ्री हो गया ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री ठीक है ना और ये टोर्सनल स्टिफनेस के टी के टी यहाँ भी आप चाहें तो एक ले सकते हैं ठीक है तो अब इसका इक्वेशन जब आप निकालते थे तो सिमिलर लीनियर इक्वेशन आई वन थीटा वन डबल डॉट प्लस टू जीरो दूसरे के लिए बन जाएगा क्या आई टू थीटा टू डबल डॉट प्लस के टी आप टू के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा के टू के टी थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस के टी इसके लिए थीटा टू माइनस थीटा थ्री इक्वल टू जीरो और उसी तरह से जब आई थ्री थीटा थ्री डबल डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा के टी और थीटा थ्री माइनस थीटा टू इक्वल टू जीरो ये तीन इक्वेशन निकल गया फिर यहाँ से मैट्रिक्स वाला इक्वेशन रख करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब इसी तरह से एक लास्ट एस्टोडला मेथड था ठीक है ना तो एस्टोडला मेथड में आप कोई भी फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं ठीक है तो आप ये चूँकि इटरेटिव प्रोसेस है ठीक है तो थोड़ा सा लेंदी है तो यहाँ भी हम लोग पहले y1, y2, y3 जो भी आपका फ्रिक्वेंसी है इसको वन वन मान लेते हैं ठीक है और फ्रॉम इनर्शियल लोडिंग दैट मीन्स कि y1 वन इक्वल टू हम निकाले थे अभी a11 वन वन एफ वन प्लस ए वन टू एफ़ टू तरह से y2 निकालेंगे y3 निकालेंगे और यहाँ पे निकाल करके देखेंगे कि y1, y2, y3 सेम आ रहा है कि नहीं ये जो आपने लिया है वही सेम यदि आ रहा है तो वेल एंड गुड अदरवाइज फिर एक बार इसको रिपीट करेंगे जो ये वैल्यू आया जो ये वैल्यू आएगा इस वैल्यू को लेकर के अभी क्या है y1, y2, y3 टू थ्री वन लेकर के रिपीट किए थे अब ये y1 वन डैश वाई टू डैश वाई थ्री डैश निकालेंगे कौन सा वैल्यू लेकर के ये जो निकला है ठीक है तो इस तरह से ये इटीरेटिव प्रोसेस है ठीक है ना रेयरली केस में पूछता है इसका थियोरटिकल पोर्शन पढ़ लीजिएगा तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसमें आपको इस वीडियो में टोटल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो हम लोगों ने पढ़ा ही पढ़ा इसमें बहुत सारे जो है टॉपिक्स पढ़े हम लोगों ने और इसी तरह से थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है ना इन्फ्लुएंस कफिशियंट ये सब पढ़ें इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा सारे टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे एक टॉपिक है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ट्यून्ड एब्जॉर्बर फ्रिक्शन एब्जॉर्बर पेंडुलम एब्जॉर्बर ठीक है ना टोसनल एब्जॉर्बर इसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के उसमें एक शो मोड़ करके दिखाता है उसमें आप जाएंगे इसी वीडियो के डिटेल में ठीक है ना डिटेल में जाएंगे तो वाइब्रेशन के पूरे के पूरे लिंक आपको मिल जाएंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम